नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं हाउ टू कंट्रोल ओवर ट्रेडिंग लेक्चर नंबर 3 के अंदर, है ना। मैंने आपसे कहा था कि मैं जनवरी मंथ के अंदर आपको 4 से 5 लेक्चर, आपको डेफिनेटली 4 से 5 वेज आपको ऐसे बताऊंगा जिनसे आप ये फाइंड आउट, जिनसे आप कोशिश कर सकते हैं। देखिए, फाइनल डिसीजन इज योर्स। आप ये सोचिए जितना मर्जी मैं कहता रहूं उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो लोग ट्रिक्स यूज कर रहे हैं डेफिनेटली उन ट्रिक्स से उनको अगर फायदा हुआ है तो चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि उससे आपको भी फायदा हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, ओवर ट्रेडिंग का मतलब क्या है, क्या हमें इसको समझ पाए हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए, आप एक लॉट से ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, मान लीजिए मैं इसको ओवर ट्रेडिंग नहीं मानता, आपने एक लॉट 50 बार दिन में सेल कर दी, 50 बार बाई कर दी, मैं इसको ओवर ट्रेडिंग नहीं मानता, क्योंकि एक लॉट के साथ 50 बार बाइंग और 50 बार सेलिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट। देखिए, समझिए बात को, बहुत मैं बहुत डीप, बहुत गूढ़ रहस्य इतनी रात को वीडियो बना रहा हूं और आप भी देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप पूरा देखिए। अगर आप इसका टाइटल देख के वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड वॉच द कंप्लीट वीडियो, क्योंकि इसका मतलब आप ओवर ट्रेडिंग से परेशान है। देखिए, एक लॉट जब आप लेते हैं तो होता क्या है कि मान लीजिए एक लॉट आपने ली 70 रुपीज की, आपने एक लॉट ली 70 into 50, लेट्स से निफ्टी की बात करें 3500 आपने रुपए उसके अंदर इन्वेस्ट किए हुए हैं, आपने ट्रेड के लिए 3500 रुपीज यूज किए हुए हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए 50 वाली 50.5 की हो गई तो आप बाहर नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है आपको स्क्रीन के ऊपर कितना दिखेगा 35, 25, मतलब 25 रुपीज का आपको प्रॉफिट दिखेगा, आप बाहर नहीं आएंगे, समझ रहे हैं। 52 की भी हो जाएगी, हो सकता है तब भी आप बाहर ना आए, क्योंकि आपको क्या दिखेगा, कुल 100 रुपीज का प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। और मान लीजिए आप बाहर आ भी गए 100 रुपीज का प्रॉफिट लेकर, अब आपने नेक्स्ट एकदम से दूसरा कोई पुट ले लिया, मान लीजिए वो भी 50 का लिया, वो थोड़ी देर में 47 का हो गया, वो 150 का लॉस होगा, तो आप डेफिनेटली वहां से भी निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप एक लॉट के अंदर ट्रेड करने, समझ रहे हैं। ऐसे करते करते अगर आपने दिन में 50 बार ट्रेड कर ली, पहली बात, तो क्या होगा, डेफिनेटली ब्रोकरेज आपकी बहुत ज्यादा जाएगी, आपको जो लॉस होगा वो ब्रोकरेज से होगा, हो सकता है आपका ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस वो लगभग लगभग बराबर रहे कभी आप लॉस में आ जाए, कभी आप प्रॉफिट में आ जाए, हो सकता है। आप बहुत बड़ी ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप एक लॉट के साथ बल्कि ओवर ट्रेडिंग को खत्म भी कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि जब आपने 70 रुपीज की कोई लॉट ली, 3500 रुपए की आपका यूज हुए कैपिटल, तो होगा क्या कि 50 वाली आप आराम से वेट कर सकते हैं, 70 तक का, 60 तक का आप वेट करना सीख सकते हैं, ओके। इसका मतलब ओवर ट्रेडिंग की प्रॉब्लम से जो लोग परेशान हैं वो नंबर ऑफ ट्रेड से तो परेशान है ही है, वो साथ के साथ परेशान है द अमाउंट ऑफ लॉट साइज, है ना, या द लॉट साइज, यू कैन से सिंपली लॉट साइज, कि एक तो नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा, ऊपर से लॉट ज्यादा, मतलब एक साथ एकदम 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर मार दिया, 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर मारने के बाद वो बेच दी, फिर दूसरी तरफ 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर मार दिया, फिर 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर मार दिया। अब वो 1000 क्वांटिटी के जब ऑर्डर लगते हैं तो किसी बार झटका तगड़ा लग जाता है भाई, एक लॉट में अगर झटका लगेगा भी तो क्या है, 50 वाली 40 की हो जाएगी, 500 रुपए का झटका लग जाएगा। प्रॉब्लम ये होती है जब 50 वाली 40 की होती है, 1000 लॉट के अंदर, 1000 क्वांटिटी के अंदर सीधा फटका 10,000 रुपीज का वहां पर लगता है। अब वो इधर भी लग गया, इधर भी लग गया, इधर भी लग गया, लगते लगते लास्ट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसके मैंने दो सॉल्यूशन आपको बताए कि एक तो आप मॉर्निंग के अंदर क्या करो, मॉर्निंग में पहली ट्रेड ऐसी होती है कि अगर बड़ा लॉस हो जाए तो शाम तक उस लॉस को रिकवर करना मुश्किल हो जाता है, प्रॉफिट में कन्वर्ट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर शुरू में प्रॉफिट हो जाए तो शाम तक उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। मतलब दोनों ही केस में, अगर मॉर्निंग में चाहे लॉस हो चाहे मॉर्निंग में प्रॉफिट हो, दोनों ही केस में क्या होता है, एंड बुरा ही होता है। सो इसलिए मॉर्निंग में क्या करें, मॉर्निंग में बड़ा लॉस या बड़ा प्रॉफिट ना लें कभी भी, मॉर्निंग में कोशिश करें कि मैं एक लॉट से ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि क्या गारंटी है बड़े प्रॉफिट के लिए जाए, हो सकता है आपको बड़ा लॉस हो जाए। तो मॉर्निंग में, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया, वहां देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो गया है, मान लीजिए आपने 11 बजे 12 बजे एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट के अंदर एक सेटअप पर ट्रेड करके कर लिया है, अब आपको उसको बचाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप सेलिंग की स्ट्रेटेजी अपना सकते हो, क्योंकि आपके पास मान लो 1.5 लाख रुपए, सेलिंग में क्या होगा, नेकेट सेलिंग करोगे तो एक ही लॉट सेल होगी, एक लॉट में कितना लॉस हो जाएगा ये मैंने पूरा डिटेल में लेक्चर नंबर 2 के अंदर बताया। आइए इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं लेक्चर नंबर 3 की। देखिए होता क्या है,
बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, इस समय मार्केट के अंदर मंडे को एक एक्सपायरी है, ट्यूसडे को एक एक्सपायरी है, वेंसडे को एक है, थर्सडे को एक है, फ्राइडे को एक है, हर रोज कोई ना कोई मार्केट के अंदर एक्सपायरी चलती है। अब होता क्या है कि सपोज आपके पास 10,000 रुपए भी है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10,000 रुपीज है। अब मान ले जाए वेंसडे को एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि मान लो मार्केट एट द मनी पर 12 बजे के आसपास, मार्केट एट द मनी पर जो भी चल रहा है, वो वाला कॉल या पुट जो है मार्केट के अंदर 70 से 80 रुपए का, 70 का 80 का लगभग इतने रुपए का चल रहा होता है 12 से 1 बजे के आसपास। अब होता क्या है कि 70 रुपए का अगर चल रहा है, 70 × 15, 15 × 7 = 105, लगभग 1050 रुपए में एक लॉट आ जाती है। अब आपके पास है 10,000, ये तो मैं बहुत कम अमाउंट लेकर चल रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग वाले के पास 10-12 हजार रुपए से तो वो ट्रेडिंग कर ही रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो होता क्या है, वो ऑटोमेटिकली 10 लॉट लेने का हकदार हो जाता है क्योंकि वो लॉट इतना सस्ता चल रहा होता है कि बस पूछो मत। अब वो उसमें इतना पजल हो जाता है, वो क्या, जैसे ही मार्केट 70 वाला 90 का होता है उसको लगता है बहुत हो गया, कहीं ऐसा ना हो ये गिर जाए, वो इमीडिएटली उसका प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता है। और वो इमीडिएटली क्या करता है कि ला 70 वाला तो 90 का कर लिया, अब ला पुट और लेके वो 70 का 90 कर लूं। वो इस ओवर ट्रेडिंग में फंस जाता है और ओवर ट्रेडिंग में फंसने के बाद वो कहीं ना कहीं लॉस करना शुरू कर देता है। दिस इज द बिगेस्ट रीजन। ये होता है उसके साथ वेंसडे को बैंक निफ्टी में, थर्सडे को ये हो जाता है उसके साथ निफ्टी में, फ्राइडे को हो जाता है सेंसेक्स में, मंडे को हो जाता है मिड कैप में, ट्यूसडे को हो जाता है फिर निफ्टी के अंदर। सो इस तरीके से हर दिन हर रोज किसी ना किसी एक्सपायरी के अंदर वो फंस जाता है। देखिए बहुत ही बेस्ट वे है ओवर ट्रेडिंग को रोकने का, अगर आप मान लीजिए आपको सेटअप देखना आता है लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो सेटअप नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो ओवर ट्रेडिंग है, तो इसको रोकने का तीसरा बहुत ही नायाब तरीका जो है, बहुत ही उम्दा तरीका जो है, आपने क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये अब वीक चल रहा है, मान लीजिए आज वेंसडे है, तो एक तो ये करंट एक्सपायरी चल रही है, इससे आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करो। अगर आपके पास अमाउंट कम है, 10,000 है, 15,000 रुपए है, आप नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करो, उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली वही एट द मनी का, वही बैंक निफ्टी का जो कॉल होगा या पुट होगा वो 400 रुपए का चल रहा होगा, जो करंट एक्सपायरी में 70 रुपए का चल रहा है। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा। रिस्क कैसे कम हो जाएगा भाई, 70 वाला एक्सपायरी वाले दिन पूरी प्रोबेबिलिटी है कि जीरो का हो सकता है, 400 रुपए वाला जीरो के होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। अब यहां पे क्या होता है कि मान लो 400 का लिया, 300 रुपए पे आप जाग गए कि यार चलो बहुत लॉस ले लिया 300 का। अब 400 वाला जब आप एक लॉट लेते हो तो आपके 6,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। अब मान लो आपके पास 10,000 है, आप एक ही लॉट ले सकते हो, आप ज्यादा ले नहीं सकते। अब होगा क्या, 380 पे आत्मा जाग जाएगी कि यार निकल जा, 370 पे आत्मा जाग जाएगी, 360 पे जाग जाएगी, 350 पे जाग जाएगी, 320 पे आत्मा जाग जाएगी, 300 पे जाग जाएगी, 300 पे भी जाएगी तो भी आपका 1500 रुपए का लॉस हुआ सिर्फ और सिर्फ। हाउएवर अगर आपने करंट एक्सपायरी में ट्रेड किए 70 वाला लिया और आत्मा 60 पे नहीं जागी, आत्मा 50 पे नहीं जागी, 40 पे नहीं जागी, 30 पे कहीं आत्मा जागी, और आपने 10 लॉट लेके रखी हुई थी, तो 10 लॉट के अंदर 70 वाला अगर 30 का हो गया तो एक लॉट के अंदर 40, मतलब 15 × 60 600 रुपए एक लॉट के अंदर, 10 लॉट का मतलब 6,000 रुपए आपके निकल गए 10,000 रुपए में से, 10,000 रुपए में से 6,000 रुपए आपके खत्म हो गए, मतलब 60% अमाउंट आपने इरोड कर लिया। हाउएवर यहां पर अगर आपने 100 रुपए भी खत्म कर लिए तो भी आपको 100 × 15, 1500 रुपए खत्म हुए, 10,000 आपने 6,000 रुपए लगाए थे, इसका मतलब यहां पे अभी भी आपका 20-25% अमाउंट है। तो ये बहुत ही जो है एक यूनिक स्ट्रैटेजी है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, मान लीजिए 1 लाख रुपीज आपके पास है, मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपीज है, आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सेटअप देखना था, देखिए सेटअप तो आपको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, एक बार आपको सेटअप देखना आ गया फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इवन मंथली एक्सपायरी में जा सकते हैं। आप मंथली एक्सपायरी में जाओगे तो क्या होगा, वही बैंक निफ्टी का कॉल या पुट जो एट द मनी का चल रहा है वो 700 रुपए के आसपास आपको मिलेगा। आप नेक्स्ट मंथ की, मान लो अभी जनवरी चल रहा है, आप फैब मंथ का लास्ट मंथ का, फैब का लास्ट एक्सपायरी वाला मंथली एक्सपायरी वाला आप ट्रेड कीजिए, वो हो सकता है आपको 1000 का मिलेगा। तो होता क्या है कि दिस इज हाउ यू कैन मैनिपुलेट, यू कैन रिड्यूस योर नंबर ऑफ लॉट साइज। आप लॉट साइज को रिड्यूस कर सकते हो, देखो आपका अल्टीमेट गोल है लॉट साइज को रिड्यूस करना, जितना आप लॉट साइज ज्यादा में जाएंगे उतना बड़ी प्रॉब्लम होगी। जैसे आप लॉट साइज कम करोगे तो आप बड़े प्रॉफिट के लिए बैठना सीखोगे, और अगर बड़े प्रॉफिट के लिए बैठना सीख गए
तो ओवर ट्रेडिंग अपने आप खत्म होगी। भाई किसी एक ट्रेड में जितना ज्यादा समय बैठोगे उतना ओवर ट्रेडिंग के चांसेस कम होंगे। एक ट्रेड में ज्यादा समय कैसे बैठोगे, जब नंबर ऑफ लॉट ज्यादा होंगी या नंबर ऑफ लॉट कम होंगी? सो डेफिनेटली आंसर है कि जब नंबर ऑफ लॉट यानी कि लॉट साइज कम होगा तब आप एक ट्रेड में ज्यादा देर के लिए बैठ सकते हो। ये ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में और बताइएगा। ये भी मुझे आप लोगों से ही आइडिया मिला है, पहला आइडिया मैंने बनाया था, दूसरा आइडिया मैंने आपसे सजेशन मांगे थे, आपने कमेंट सेक्शन में दिए, मैंने लेक्चर नंबर 2 उस पर बनाया, लेक्चर नंबर 3 भी मैंने आपके ही आइडियाज पे बनाया, लेक्चर नंबर 4 भी मैं आपके ही आइडियाज पर बनाऊंगा। जो आइडिया मुझे बेस्ट लगेगा वही आइडिया मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर नहीं, और उस समय पर क्या कीजिए कि जब प्रॉफिट हो जाए तो फिर उसके बाद ट्रेड मत कीजिए। अरे वही तो प्रॉब्लम है कि ट्रेड कैसे ना करें। तो वही उसी चीज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बेस्ट वे, बेस्ट मेथड जो कमेंट सेक्शंस में मुझे मिल रहे हैं उनको मैं पिक कर रहा हूं। सो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।